25 मई 2014 नूं मेरा ब्रदर मनोज कपूर किडनैप होए सी, अज तो तकरीबन 7 साल। तो अज 7 साल हो गए सानूं संघर्ष करदे नूं कि सानूं इंसाफ मिलेगा, सानूं उहदा पता लगेगा कि मनोज कित्थे है, मनोज ठीक है या नहीं है। सानूं कुछ नहीं पता कि उस टाइम पर उहदे नाल की होया, ना तो सानूं इहदे विच कोई इंसाफ मिलिया ते ना ही मनोज बारे पता लग्या। पहला इहदे विच पंजाब पुलिस की शिरकत रही है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया गा। उस तो बाद सिट बनी है जिहदे विच कुंवर विनय प्रताप जी की मतलब उन्होंने अंडर एक सिट बनी रही है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये हुण हार के असी जदों CBI कोल केस लैके गए हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया CBI दे कोल जाण लई। तुहानूं सबनूं पता है 2 साल तकरीबन धरने दित्ते है कि यह केस CBI कोल चला जाए, सिर्फ इस उम्मीद से कि CBI एक इहो जिही एजेंसी है जिहड़ी कि बहुत ही ईमानदारी नाल काम करदी है ते इंसाफ दवांदी है। पर अज देखो आ CBI दी रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट उन्होंने जमा कराती है कोर्ट दे विच। उन्होंने की जमा कराया कि साढ़े हाथ खड़े है, कि साढ़े तो इंसाफ की उम्मीद ना रखो, साढ़े तो एक केस हल नहीं होंगे। मेरे ख्याल से जो इंडिया का सिस्टम है, इतने किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। असी इन्ना 7 साल के संघर्ष तो बाद साढ़े को फाइनल रिपोर्ट है कि साढ़े हाथ खड़े है, तो साढ़े को केस हल नहीं होंगे। असी ये प्रोटेस्ट पटीशन पाई, उन्होंने साड़ी क्लोजर रिपोर्ट दी है CBI केस के, हमने केस जो है ट्रांसफर हो गया हाई कोर्ट तो, पहले हाई कोर्ट चल रहा है, उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दी है CBI कोर्ट के फाइनली कि यह केस उन्होंने हल नहीं हो रहा, तो इन्हू बंद किया जाए केस में। बट असी चाहते हैं कि केस बंद ना किया जाए, असं ये प्रोटेस्ट पटीशन पाई है जिसकी तारीख हूँ 1 जून 2021 की, तो असी यह केस उन्होंने पाया। हूँ देखो ये ना तो पंजाब सरकार ने कुछ किया, CBI कोर्ट ने भी की किया, मैं तुम्हें वह भी दिखा रही हूँ। इन्होंने एक पॉलीग्राम टैसट करवाए थे, जो पॉलीग्राम टैसट करवाए हैं सिर्फ फॉरमैलिटी सेक इन्होंने करवाए है, तो सवाल देख लो कि दे आ पॉलीग्राम टैसट के 5-6 सवाल है, ठीक है, जिदे सिर्फ यस ते नो दे जवाब देना सी। हुण पॉलीग्राम टैसट दे विच की हुंदा है, आपां नूं पता है एक्यूरेसी वैसे तो 70% है, बट जे तुसीं सांह बंद करके कोई यस या नो दा आंसर दोगे ना, उह चुप पड़िया नहीं जांदा। इहदे विच सिर्फ यही पुछे कि तुहानूं पता है मनोज कित्थे है। हुण तुसीं आपे सोचो कि अखां बंद करके या सांह टुट के तुसीं अगर जवाब दोगे ना, उहदा रिप्लाई तुसीं उहनूं ट्रेस नहीं कर सकदे। इह सिर्फ फॉरमैलिटी कीती होई है। इह जिहड़ी कंपनी है, इह इक BJP लीडर की कंपनी है, SIS प्रोसीगर कंपनी, ठीक है। हुण जिन्ने भी केस लुट्टे जाते, जिस दिन मनोज गुम होया 3 ATM लुट्टे गए, आप सबनों पता है वो जो ATM लुट्टे गए उन्होंने FIR हुई ना, तो वो जो लुट्टे गए केस जो ATM लुट्टे गए उन्होंने कुछ बनया ना, मनोज का कुछ पता लग्या ना, वो किडनैपर्स का कुछ पता लग्या, तो ना ही ये जो बंदे शामिल से जिन्हों की फोटो आई हैं उन्होंने पता लग्या। हुण तुसीं आपे देखो कि जिहड़े भी ATM लुट्टे जाते हैं कि उन्हों का कदे भी कोई सोल्यूशन निकलिया नहीं निकलिया। क्यों नहीं निकलिया? क्योंकि यह कंपनियां आप ही ATM लुटवादियाँ, आप ही उन्होंने क्लेम लेंदियाँ, तो आप ही ये बहुत वड्डा स्कैम नूं इनकलूड करती है। बहुत वड्डा स्कैम है जिन्हों मनोज डिस्कलोज करन वाला सीगा, तो इस करके इन्हां दी कंपनी ने आप ही मनोज नूं किडनैप करके, मैनू नहीं पता उहदा की किया की नहीं किया, पर हाले तक ये बिल्कुल कुछ भी डिस्कलोज नहीं हो रहा। हुण देखो 25 मई 2014 नूं BJP की सरकार आती है, तो 26 मई नूं आती है, 25 मई नूं मेरा ब्रदर मनोज किडनैप हुंदा है। आपे सोचो कि सारा का सारा 7 साल हो गए इस चीज़ में, BJP की सरकार के हेठा ये कुछ भी मैं नहीं लगता सोल्यूशन हो रहे, ये सारे मिलीभुगत है। हुण जिहड़े अरुण शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, ये भी कमल शर्मा जी के रिश्तेदार सीगे फिरोजपुर के, हुणे पिछे जे उन्हां दी डैथ हो गई कमल शर्मा जी की, वह भी BJP के सीगे। तो मेरी यही दरखास्त है, कृपा करके सारे लोगों नाल इहदे विच मेरा साथ दिओ, क्योंकि जे इत्थे असी हार गए 7 साल, सानू बहुत सारिया बादल सरकार ने भी ऑफर दित्तियां सी सरकारी नौकरियां दियां पैसियां दियां कि तुसीं इंसाफ लैना छड्ड दो, आराम नाल बैठो, असी नहीं हारे, असी संघर्ष किया सिर्फ इस दिन लई कि सानू आ रिपोर्ट मिले फाइनल रिपोर्ट कि तुहानू इंसाफ नहीं मिल सकता। असी 7 साल हो गए मरदन, कृपा करके सानू इंसाफ दवाओ, सानू पता लगे कि मनोज का की होया की नहीं होया, सानू इस चीज़ का पता दस्या।